नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू और आपका स्वागत है मंजू गार्डनिंग एंड ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं अक्सर आपके साथ फ्लावरिंग प्लांट की वीडियो शेयर करती रहती हूं, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना ये बेल पत्र। दोस्तों देखिए, हम लोग अब सावन के महीने में काफ़ी शिवार्चन होते हैं, भगवान शिव जी को हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, या फिर हम लोग काफ़ी सोमवार को व्रत लेते हैं, उस दिन भी बेलपत्र चढ़ाया जाता है। तो बेलपत्र का पौधा शुभ है अशुभ है, घर में लगाएं कैसे लगाएं कहाँ लगाएं, इसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। इस सावन के महीने में दोस्तों, अगर माताएँ बहनें कोई भी अगर सोमवार के दिन एक बेलपत्र का पेड़ लगा लेना बहुत शुभ माना जाता है। किसी भी दिन लगाएं सावन में तो, लेकिन अगर सोमवार को भी लगाते तो बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा फलदायी है, बहुत पुण्य है। कहते हैं ना, जो इस पेड़ को लगाता है अपने घर में, इसको सींचता है, हरा भरा रखता है, इसको अच्छा करता है ना, वो बहुत ही पुण्य उसको मिलता है, पापों से मुक्ति मिलती है और उसका वंश भी ना इसी पौधे की तरह बहुत अच्छा फलता फूलता और चलता है। इसकी सेवा करनी चाहिए, ये भगवान शिव का प्रिय है। माँ लक्ष्मी को ये बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, माँ लक्ष्मी बहुत खुश होती है क्योंकि बेलपत्र के पौधे की जड़ों में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए बेलपत्र बहुत ही शुभ और अच्छा है। जिस घर में बेलपत्र का पौधा होना, वहाँ सुख शांति होती है, लक्ष्मी धन की कमी कभी नहीं होती है। तो चलिए थोड़ी सी इसके बारे में क्यों लगाना है, कहाँ रखना है, कि जानकारी मैं आपको दूंगी। शिव महापुराण में बताया गया है कि अगर आप अपने घर में बेलपत्र का पौधा लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं तो जरूर लगाइए। इसको लगाने से सभी बाधाएं दूर होती है, नकारात्मक शक्ति का नाश होता है और माँ लक्ष्मी का वास होता है। बेलपत्र के पौधे में माँ लक्ष्मी अलग अलग रूपों में विद्यमान होती है, जड़ में, शाखा में, पत्तियों में, फल में, अलग अलग रूपों से विद्यमान होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर हमारे किसी की अगर हमारी कुंडली में अगर आप मानते हैं चंद्रमा की स्थिति खराब रहती है, तो इस पर जब हम इस पौधे को अपने घर में लगाते तो उसकी बुरी दृष्टि भी दूर होती है, सुख शांति बनी रहती है, उसके वो शिकार नहीं होते हैं। और यही मैं अगर आपको बताऊं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें इसको किस दिशा में लगाना चाहिए, तो उत्तर पश्चिम दिशा यानी नॉर्थ वेस्ट में लगाने से आदमी जो है ना अधिक ऊर्जावान होता है, और उत्तर दक्षिण दिशा में नॉर्थ साउथ दिशा में लगाने से परिवार को आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है, कर्ज से मुक्ति होती है, आदमी धन धान्य पूर्ण होते हैं, परिवार के सभी लोग की स्थिति अच्छी लगी रहती है, और मध्य में लगाने से परिवार में सभी जो है ना सभी लोग जो है ना प्रेम से बने रहते हैं, प्रेम सभी आपसी प्रेम बना रहता है, कलह नहीं होता है, सभी लोग अच्छे से घर में रहते हैं। और इसमें कई लोग सोचते हैं कि इसको कहाँ पर लगाएं, गेट के दाहिनी तरफ लगाएं, बाहीं तरफ लगाएं, तो मेन गेट की जब आप घर से निकलते हो ना, मेन गेट के दाहिनी साइड होना चाहिए, तो इसको वहाँ पर लगा सकते हैं। और जो है ना वास्तुशास्त्र के अनुसार ही हम ये बताऊँ कि कब इसको नहीं तोड़ना चाहिए, तो इसमें अष्टमी को, पूर्णिमा को, अमावस्या की तिथि को हमें बेलपत्र के जो है ना इनको नहीं तोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये चीज़ें हम अक्सर कहीं भागवतों में जाते हैं, आचार्य लोग बोलते हैं, वहाँ पर सुनी हुई हैं, या शिव पुराण वगैरह में लिखा हुआ होता है, या वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ, इसी हिसाब से मैं आपको इसको बता रही हूँ। तो आपको मैं ये बता देती हूँ कि बेलपत्र में ना इसको किस तरीके से, इसमें कुछ कीड़े मकोड़ों का अटक होता है, जब नई नई कलियाँ निकलती हैं ना तो उसको आगे से खाते हैं, तो नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, इसको धूप पूरी चाहिए होती है, और इसके ना बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। ये हमारी बीमारी में पहले ना हैजा वगैरह जो होता था ना इलाज, उसके लिए बहुत जरूर, बहुत ही अच्छा इसका फल से जो दवाइयाँ बनती हैं, आयुर्वेद में काफ़ी दवाइयाँ बनती हैं, पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, इसकी गर्मी को मारता है, तो कई रूप में हमारा ना बहुत अच्छा ये होता है। दूसरा मैं ये बताना चाहती हूँ कि बेलपत्र का पौधा ना, ये कभी बेलपत्र जो है बासी नहीं होता है। जब आप हम बेलपत्र को एक बार इस्तेमाल करते हैं, चढ़ा देते हैं, तो आप उसको दूसरे दिन निकाल के धो के उसको फिर आप बेलपत्र के पौधे को चढ़ा सकते हैं। तो ये इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, बहुत अच्छा बेलपत्र का पौधा होता है, तो आप जरूर लगाइए, सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और बहुत अच्छा है। और देखने में भी इसकी ग्रीनरी देखिए, ये पौधा इतना बढ़िया हरा भरा होता है, इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, इसको लगा कैसे सकते हैं, इसको आप पके हुए बीजू का फल लगा के, फल से जो बीज निकलते हैं उसको बो सकते हैं, तभी इसको लगा सकते हैं। कटिंग मोटी मोटी स्टेम लेके इसकी कटिंग लग जाती है, बाकी नहीं तो नर्सरी में इसके पौधे बहुत अच्छे पौधे मिल जाते हैं, बहुत ही ईजी मिल जाते हैं, आप नर्सरी से पौधे ला के तुरंत लगाइए। अभी सावन में तो आप नर्सरी से पौधे लाइए और ज़रूर लगाइए। दोस्तों, अब इसको लगाना ना बहुत ईजी है। अब इसे खाद की बात करूँ ना अगर, तो मैं तो साल में केवल दो बार इसमें खाद डालती हूँ, एक फरवरी में देती हूँ, एक बरसात खत्म होने के बाद देती हूँ। आज वीडियो बना रही हूँ,
इसलिए मैं आज दे रही हूँ। देखियो बिल्कुल गोबर की सड़ी खाद है, ये नहीं है तो बर्मी कंपोस्ट, और कुछ चीज़ देने की आपको जरूरत नहीं है। बस पानी का ध्यान देना है, इसको पानी पिलाना है, ये पौधा हरा भरा रहेगा, बहुत ही ईजी ग्रो, बहुत ही हार्डी प्लांट है, ऐसे ही हो जाता है। तो इसकी हम थोड़ा सी गुड़ाई कर लेते हैं। देखिए कितना मोटा मेरा ये कोडेक्स प्लांट है, मेरा तो ये 8 साल पुराना प्लांट है, देखिए 8 साल से लगा है, ये हो गया। और इसी पॉट में है ये 10-12 इंच का भी नहीं होगा, ये 10 लीटर की बाल्टी है ना, छोटी वाली पेंट की, उस बाल्टी में मैंने इसको लगा रखा था, उसी बाल्टी में तब से ये है। ये देखें 8 साल से ये इसी बाल्टी में है। तो दोस्तों ये देखें, और अभी इसकी ना रूट्स नहीं निकली हैं, जब इसकी रूट्स कभी हो जाएंगी, बॉन्ड हो जाएगा तो फिर मैं निकालूंगी, लेकिन अभी ऐसी मुझे इसमें कोई दिक्कत दिख ही नहीं रही है। तो बहुत अच्छा ये प्लांट है, तो मैं एक बार मैंने इसमें गोबर की खाद डालनी थी, वो मैं इसमें डाल चुकी हूँ। तो ये देखें अब मैं इसमें मार्च या अप्रैल में जाके डालूंगी, और हर साल भर मेरे ये पत्ते ना फ्लावर जो है ना, ये पत्ते जो है ना शिव जी भगवान जी को चढ़ाने के लिए, पूजा के लिए, कुछ ना भी होना, अगर फूल नहीं होते हैं, कुछ नहीं होते, तो ये पत्ते होते ना, हम इनको चढ़ा देते तो बहुत अच्छा होता है पूजा में। तो इस तरीके से करना है, बस हो गया। और पानी डालनी है, बरसात के दिन वैसे ही हरा भरा इतना बड़ा ग्रीनरी इसमें होती है। दोस्तों ये थी आज बेलपत्र के प्लांट के बारे में मेरी जानकारी, बहुत ज़रूरी था क्योंकि इस महीने से आप लगाओगे, इसलिए मैंने डाली है वीडियो। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, हर हर महादेव एक कमेंट में ज़रूर लिख देना, और वीडियो में नए आए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल जरूर दबा देना। मिलती हूँ आगे की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।